बात करते हैं चीन की, जिसने एक बार फिर भारत के खिलाफ नई चाल चली है। चीन ने ग्वादर पोर्ट की सुरक्षा के लिए पाकिस्तान को 2 शिप दिए हैं। इन शिप के मिलने से पाकिस्तानी नेवी की ताकत भी बढ़ जाएगी। जानकारी के मुताबिक जल्द ही चीन 2 और शिप पाकिस्तान को देने वाला है। ड्रैगन की नई चाल, सीपीईसी की सुरक्षा के नाम पर साजिश, पाक नेवी की बढ़ाई ताकत, भारत को चारों तरफ से घेरने की साजिश रच रहे चीन ने एक बार फिर भारत के खिलाफ नई चाल चली है। एक ऐसी चाल जिससे न सिर्फ चीन को फायदा होगा बल्कि भारत के दुश्मन देश पाकिस्तान की नेवी की ताकत और बढ़ जाएगी। चीन ने पाकिस्तान के बीच तैयार हो रहे इकोनॉमिक कॉरिडोर की सुरक्षा के नाम पर अपने 2 शिप हिंगेल और बसोल पाकिस्तान को सौंप दिए हैं। इसके जरिए पाकिस्तान इस इकोनॉमिक कॉरिडोर की ज्वाइंट सिक्योरिटी करेगा। इसकी तैनाती ग्वादर पोर्ट पर की जाएगी। पाकिस्तान के अंग्रेजी अखबार डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक ये दोनों जहाज अब से पाकिस्तानी नौसेना का हिस्सा होंगे। इन 2 जहाजों के मिल जाने से पाकिस्तानी नेवी को समुद्री सुरक्षा में और मजबूती मिलेगी। चीन की तरफ से पाकिस्तान को 2 और पोत दश्त और झोप भी जल्द ही मिल जाएंगे। इस पर काम किया जा रहा है। आर्थिक कॉरिडोर के लिए पाकिस्तान ने एक नई डिवीजन का भी गठन किया है। यहाँ की सुरक्षा और ग्वादर पोर्ट की सुरक्षा का दायित्व इसके ही जिम्मे होगा। आपको बता दें कि सीपेक के बाद से ही दोनों देशों के बीच संबंधों में जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। इकोनॉमिक कॉरिडोर की सुरक्षा के लिए पाकिस्तान ने एक नई डिवीजन का भी गठन किया है। सीपेक और ग्वादर पोर्ट की सुरक्षा की जिम्मेदारी इस डिवीजन की होगी। पाक चीन के बीच बन रहे इस आर्थिक कॉरिडोर पर करीब $54 मिलियन की लागत का अनुमान है। इसके जरिए चीन सिल्क रूट को दोबारा सामने लाने की कोशिश कर रहा है। इस रूट के जरिए वह काशगर और ग्वादर से सीधे तौर पर जुड़ना चाहता है। इसके लिए वह इस रूट पर तेजी से सड़क और रेल परिवहन के साथ ऑप्टिकल फाइबर और पाइपलाइन का निर्माण कर रहा है। आपको बता दें कि हिंगेल और बसोल पोत का नाम चीन की 2 नदियों के नाम पर रखा गया है। चीन जल्द ही पाकिस्तान को 2 और जहाज देने वाला है। इनकी तैनाती के बाद अरब सागर में जहां पाक आर्मी मजबूत हो जाएगी, वहीं सीपेक का विरोध कर रहे भारत के लिए खतरा और बढ़ जाएगा। और यही बात चीन भी चाहता है। इंटरनेशनल डेस्क, इंडिया 24/7।